बुमराह का नंबर वन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जहां पर आप कोर्सेज कर सकते हैं जैसे DMLT, ANM, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन। हॉस्पिटल्स और लैब्स में होता है इंटर्नशिप। कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब असिस्टेंट। सारे कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नूपुर शर्मा के समर्थन में अजमेर में हिंदू समाज ने रखा बंद। दरगाह के आसपास के तमाम बाजार रहे बंद। खादिमों ने की निंदा। देखिए वायरल होते ऑडियो वीडियो और मैसेजेस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जून महीने की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तब से लेकर अब तक पूरे देश में नाराजगी, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज रास्ते पर, ऐसी तस्वीर है। गत शुक्रवार 17 जून को अजमेर में भी इसी तरह का बंद रख करके विरोध प्रदर्शन करके नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उसके बाद 24 जून शुक्रवार को अजमेर शरीफ की दरगाह के पास जो नल्ला बाजार और आदि वगैरह जो बाजार है, जो खास करके सिंधी समाज और हिंदू समाज द्वारा यहां पर बाजार चलाए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, और दरगाह में आने वाले जायरीनों पर इनका कारोबार पूरी तरह से आश्रित है, मगर इन्हीं बाजारों को 24 जून के बंद में बंद रखा गया, वो भी नूपुर शर्मा के समर्थन में। इसके चलते अजमेर के दरगाह शरीफ के खादिमों का वीडियो सामने आया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इसके साथ एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, वो भी हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। साथ ही कैसे अजमेर में हिंदू समाज द्वारा नूपुर शर्मा के समर्थन में बंद किया गया था, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकालना है, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते हैं। हमने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नूपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था, लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे? अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जले पे नमक का काम हुआ है और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये जायरीन ख्वाजा से कमाते हैं और इनको अब इनके बारे में जायरीन ख्वाजा ही सोचे। और हमें बहुत अफसोस हुआ है, प्रशासन ने जो इनको आजादी दी, कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रशासन ने इनको जुलूस निकालने की आजादी दी है, चाहे वो मौन जुलूस ही हो, लेकिन वो हमारे नबी की शान में जिस औरत ने गुस्ताखी की, उसकी मांग थी, हमारी मांग थी कि उसको अरेस्ट करें, उसकी सॉलिडेरिटी में किया है। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और जले पे नमक छिड़कने का काम हुआ है, हम बहुत दुखी हैं। आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम जायरीनों और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे, ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले जायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहे हैं और नूपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक के ख्वाजा हैं, इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे एक रुपए का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएं।
भाई साहब यहाँ जितने भी लोग हैं सब पीछे आ जाइए। रंजन, अरे आप